Assalamualaikum नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाफी अली, मेरे साथ मौजूद है मुस्कान और मैं हूँ मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह फिर से हम तीनों मौजूद हैं, आप एक और वीडियो और एक और मूवी का ट्रेलर लेकर आए हैं आपके पास। और जो ट्रेलर हम देखने वाले हैं वो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी बेहद बहुत ज़्यादा, और वो ट्रेलर है भावेश जोशी सुपर हीरो, जो कि हर्षवर्धन कपूर अनिल कपूर के बेटे हैं जिनकी मूवी। अच्छा, तो सीधा चलते हैं पहले ट्रेलर की तरफ और बाकी बातें ये है क्या लेकिन? अरे ग्राफिक नॉवल है यार, मुंबई का पहला सुपर हीरो। क्या बात कर रहे हैं, तो रावण था ना? जीवन रावण था, फिल्म का नाम रावण था। अरे यार क्या फर्क पड़ता है रावण जीवन, यार मैंने पूरा जीवन लगा दिया इसको लिखने में यार। भ्रष्टाचार दीमक की तरह शहर को खोखला कर चुका था यार। पुलिस वाला बाहुबली की चाकरी करता था, मिनिस्टर उस बाहुबली की चाकरी करता था, ये सुपर हीरो बाहुबली की छोकरी को करता था। आप लोग इधर प्रोटेस्ट पे क्यों आए? देखिए हमें लगता है करप्शन इज शिट, या शिट थिंग्स। बस शरीफों का दोस्त हरामियों का बत्ता साहब, तेरे बाप की दीवारें जो दोहरा है, ऐसा चलाना मना है। कौन हो तुम लोग? इंसाफ, कभी भी कोई भी ना इंसाफी चीखेगी और चिल्लाएगी, पैर क्यों काट रहे हो? अब इंसाफ जरूर आएगा, इंसाफ इंसाफ, और जान पे खेल के इंसाफ दिलाएगा। पहले बीएमसी की वाटर सप्लाई काट के क्राइसिस पैदा करते हैं, फिर वही पानी जो आप ही के लिए है उसे चोरी करके टैंकर में भर के आप ही को पेट्रोल के भाव हमारे साथ भी हो रहा है। पर अब हम आ गए और हम सवाल पूछ रहे हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। भावेश जोशी नाम है उसका, भावेश जोशी नाम है उस आतंकवादी का जो एजेंट है दुश्मन देश का, जो हमारी मुंबई को और इस भारत माता को मारने के लिए आया है। तेरा इशू अभी फिनिश। ये नकाब पहनकर फैंटम की तरह जासूसी करना फिनिश। मैंने अपना मास्क उतार कर फेंक दिया, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं। फिर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इंसाफ रुकने वाला नहीं। इस नाम का या इस नाम से जुड़े हुए किसी भी एजेंट को रोकना ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन उसका नाम और निशान इस जमीन से मिटाना होगा। हीरो पैदा नहीं होता, बनता है। तो जनाब ये फिल्म थी, नाम बड़ा मुश्किल है, मैं नाम नहीं ले सकता। भावेश जोशी। अच्छा इसका आइडिया बड़ा, हाँ हमने सुपर हीरो देखे हैं, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये जरा अलग अलग हट के हीरो इन्होंने बनाया है। ये हमारे अभी सोसाइटी में भी था, फिक्सेट नाम के नहीं, फिक्सेट, हाँ मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसा। अच्छा देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सिमिलरिटी कितनी चीज़ें आपस में मिलती होती हैं, जो मसाइल हमारे जैसे हैं, खुशियाँ हमारी जैसी होती हैं, गम हमारे जैसे होते हैं, परेशानी जैसी होती हैं, हुकूमत तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, और हराई बने एक जैसे होते हैं, और हमारे जो रस्म व रिवाज है वो एक जैसे हैं, हमारी शक्लें काफ़ी जैसी मिलती हैं, हमारे कल्चर, हमारा लिबास, हमारा पहनना, हमारा खाना पीना मोस्टली बहुत सी मिलती हैं। तो इस तरह हाँ, और हमारे यहाँ अलग अलग क्या है, ये दीवारें जो हमने, अच्छा दीवारें भली होनी चाहिए मगर नफरतों की दीवारें नहीं होनी चाहिए। तो नफरतों की दीवारों को हमें तोड़ना है, और ऐसे ही हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, हमारे कराची के अंदर स्पेशली क्या कहते हैं, जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स को वो फिक्स इट के नाम से आलमगीर चंद लड़के हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और इसी टाइप का जो बताया गया सेम ये चीज़ वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। आप हमारे किसी भी फेसबुक पे गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ वो देख रहे हैं हम इसके अंदर। अच्छा उसने कहा कि हीरो पैदा नहीं होता, हीरो बनना पड़ता है। ये जुमला बड़ा प्यारा और बड़ा मानिक है और बड़ा अच्छा। और एक और अच्छी चीज इसमें ये थी कि इन्होंने जो वो हीरो बना
वो उसने भी यूट्यूब का सहारा लिया। अब अगर आप देखो कि अच्छा, वो वीडियोस बनाता है और वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता है, लोग वहाँ देखते हैं अच्छा यार ये ऐसा हो रहा है, तो फिर लोग उससे और मोटिवेट होते हैं। तो हाँ। जैसे आप लोग हमें रीजन देते हो कि हम रीजन बन रहे हैं कि यूट्यूब से आप देख के आपकी जो नजरिया है वो चेंज होता है पाकिस्तान के बारे में, हमारा नजरिया चेंज होता है इंडिया के बारे में, तो इसी तरह यूट्यूब जहाँ हम उसको लाइक बोलते हैं बहुत बुरी चीजें भी होती हैं उस पे, तो वहाँ बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, अच्छी चीजों के लिए भी यूज हो सकता है वो। बस हमारा व्यू है कि हम कैसे देखते हैं, हम चीज को अच्छा देखेंगे तो वो हमें अच्छा लगेगा, किसी को बुरी नजर से देखेंगे तो बुरा। नहीं, डिपेंड करता हमारे हमारे प्यार में कि हम देखिए इंसान होता है वो अच्छी चीज भी काम करता है बुरे काम भी करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को चूज कर रहे हैं अच्छे उसको या बुरे उसको, तो हमें कोशिश करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए और मजबूत करना चाहिए उन हाथों को, उन लोगों को जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। हाँ। तो हमें उसका हिस्सा होना चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उस आवाज को, उस किरदार को, उस काम को हमने मजबूत करना है, चाहे वो इंडो पाक रिलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है वो जो हम कर रहे हैं। और एक जो काम हम पिछले टाइम कुछ भूलते जा रहे थे कि वो जो एक दरख्त लगाना, तो ये भी बहुत अच्छा काम है कि आप अपने हिस्से का एक दरख्त इस धरती को, इस जहां को हमने खूबसूरत बनाना है, चाहे वो हिंदुस्तान में लगे दरख्त, चाहे वो पाकिस्तान में लगे या दुनिया के किसी भी हिस्से में लगे, तो वो इस जमीन ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमें पाल पोस रही है और हमारे को जिंदगी की पहली पैदाइश से लेकर मरने के बाद तक, हम लोग तो इस धरती में दफन होते हैं तो किसी अपना अपना नजरिया, तो उस धरती के लिए हमने काम करना है। और एक तरफ इसका हिस्सा हमने जो इसका एक कर्ज है वो हमने जरूर लगाना है इसके अंदर। और दूसरी बात ये कि हम लोग अब आते हैं हम दोबारा इसके पर, तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी है कि हम 80,000 प्लस सब्सक्राइबर कर गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे हम चाहते हैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से, ये जो या जो हमारे देखने वाले भाई हैं, कि वो अगर हमें गिफ्ट करना चाहते हैं 14 अगस्त का या 15 अगस्त का, तो वो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त से पहले पहले हमारे जो 1,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँ। तो ये सब कुछ आप लोगों के हाथ में, आपने ही करना है इंशाल्लाह ये मस्का नहीं है, दिल की बात है, दिल की बात है। आप इसको जो है मस्का समझते हैं, हम तो मुंह से मांग रहे हैं ना कि यार हमारी इंडिपेंडेंस के ऊपर आप यकीन अगर हमें कोई अच्छा गिफ्ट कर सकते हैं तो ये कहते हैं हमें, और कि आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें 14 अगस्त से पहले पहले हम चाहते हैं कि हम 1,00,000 सब्सक्राइबर। फिर अच्छा हमारा एक प्लान और भी है, हमारा भी हम डिस्कस करते हमारी कोई टीम उसके अंदर ना, हम उम्मीद शायद भी कि वो बिजी था हमारे साथ उसमें था नहीं, तो हमने सोचा था कि 1,00,000 जब हमारे हो जाएंगे तो हम एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो हमारा ये सफर है 1,00,000 तक पहुंचने का, इसमें जो नशीब और फराज आए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। और कुछ काफी लोगों ने हमें कहा भी है कि इतने सारे जो यूट्यूबर हैं वो अपनी वीडियोस बनाते हैं, कुछ बताते हैं करते हैं, तो आप भी बनाते हैं, तो वो हमने वो आपकी फरमाइश नोट कर ली है इंशाल्लाह, उसमें हमारा पेपर वर्क चल रहा है। और 1,00,000 के बाद जो हम इंशाल्लाह वो करेंगे, और जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया था और हमारे साथ रहे, उसमें जैसे एक रुमैसा जो अभी हमारे दरमियान में नहीं है, तो हम उन्हें रुमैसा को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी लड़की है और वो इंशाल्लाह दोबारा भी ज्वाइन करेंगे हमारे को। और इस तरह जो खूबसूरत मेहमान जो मुस्कान की सूरत में, रुमैसा की सूरत के अंदर, सुनील भाई की सूरत के अंदर जो आए थे हमारे पास, वो इंशाल्लाह हम दोबारा चाहेंगे दोबारा आए, और जब हमारे 1,00,000 में सब बैठेंगे गेट टुगेदर करेंगे इंशाल्लाह, हम सबको एक साथ जरूर बुलाएंगे और वो शूट करेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक मजा दीजिएगा, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट, घंटा बजाना मत भूलिएगा, वो तो भूलना ही नहीं है, भूलना ही नहीं है, वरना घंटी बजा दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।